हेलो दोस्तों, आरजे वीकेंड वाइब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी है, जिसका नाम है पोहा खीर। तो हम आज पोहा खीर कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज के रेसिपी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स। तो इस इंग्रेडिएंट्स में हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है पोहा, ओके। उसके साथ में हम यूज़ कर रहे हैं कैशू, किशमिश, कोकोनट, शुगर, बादाम, मिल्क, और उसके साथ आप देख रहे होंगे कि हमारे पास है एक इलायची और ड्राई जिंजर, जिसका कि हम बाद में पाउडर बना के लेंगे और उसका इस्तेमाल हम लास्ट में हमारे रेसिपी में करेंगे। तो ये रहे हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स। उसके साथ ही हम लेंगे घी, जिसको फ्राई करने। तो दोस्तों, हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के लिए यूज कर रहे हैं 1 टीस्पून ऑफ घी। पहले हम काजू को फ्राई करके लेंगे। काजू के साथ में ही हम बादाम को भी फ्राई करके लेंगे। तो हम इन दोनों को जहां तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े से ब्राउनिश ना हो। तो देख सकते हो अभी कैशू थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है, तो मैं इसको साइड में निकाल के रख लूंगा। हम अभी किशमिश को फ्राई करके लेंगे। किशमिश ऐसे फूलते ही हम इनको भी दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। सेम घी में हम अभी कोकोनट फ्राई करके लेंगे। तो हमारा कोकोनट अभी पूरी तरह से ब्राउनिश हो चुका है, तो मैं इसको भी प्लेट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो फाइनली हम पोहा को भी फ्राई करके लेंगे, और ये जो मेरा मेजरमेंट है इसी से हमारी पूरी रेसिपी बनेगी। जैसे कि दूध हो या शुगर हो, हम इसी मेजरमेंट से यूज करेंगे। तो मैं अभी जो रिमेनिंग घी है उसी में ही इसको फ्राई करके ले रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो रेसिपी है ये पूरी पोहा के ऊपर डिपेंडेंट है, और हम इसको बहुत बारीकी से फ्राई करके लेना है। तो इसको थोड़ा क्रंची 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 फ्लेवर में पोहा आना चाहिए, तब तक हम इसको फ्राई करके लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारे पोहा जो है वो पूरे क्रंची क्रंची हो चुके हैं। तो हम इसको अभी कुक करके लेंगे। कुक करने के लिए जो मेरा मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट से जितना पोहा लिया था उसे 3 गुना दूध उसमें हम ऐड करेंगे। तो ये रहे हमारे 3 स्पून दूध। सो 3 स्पून मिल्क के बाद हम ऐड करेंगे 1 स्पून वाटर, ताकि इसको हम अच्छे से पतला बनाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा केसर ऐड कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हो या तो नहीं। 3 या 4 मिनट के बाद, अच्छे से कुक होने के बाद आप देख सकते हो पोहा कुक हुआ या नहीं। तो मेरा पोहा ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो हम इसमें अभी शुगर और रेस्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो हम अभी ऐड कर रहे हैं 1 स्पून ऑफ शुगर। इसके बाद में हम ऐड करेंगे ड्राई जिंजर और इलायची की पाउडर। दोनों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करके लेंगे, ताकि शुगर है वो उसको पिघलना चाहिए।
देखिए, तो अच्छे से इसको ऐसे पका के लीजिए, मेक श्योर ये ऊपर से बाहर ना जाए। फाइनली हम सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। मैं ऐड कर रहा हूँ किशमिश, कोकोनट, कैशू एंड बादाम। इसको पूरा ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। तो इनको हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तो फाइनली हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो यह रहा हमारा पोहा खीर, बहुत ही अच्छे से बन चुका है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।